तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर पहला लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन लिए कांस्टेंट आएगा, म्यू। म्यू रफनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। पहला। दूसरा लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ओनली। कोई कहता है जी ठीक है, अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा, एक लकड़ का बोर्ड लेके आऊंगा और वो बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड के साथ है और मैं उसको धक्का मारता हूँ, वो कहते देखो कितनी इंटरलॉकिंग होगी, बिल्कुल एरिया कितना उसके फ्लैट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन बढ़नी चाहिए। और कोई कहता है ना जी मैं तो इतना सा ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा उसमें मेरे में फ्रिक्शन ज्यादा है, तो फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अब कोई स्टूडेंट अगर पूरी इस रूम जितना फ्लैट थर्मोकोल का पीस ले आता है, क्या है उसका वेट? कुछ भी नहीं है, और नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, तो हल्का सा हाथ भी मारेगा तो उड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम है। एरिया का चक्कर ही दबेगा तब ना, दबेगा तब तो इंटरलॉकिंग हो, जब दबेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा। इसकी जगह आप एक लोहे का पेन ले आए, थर्मोकॉल से बहुत भारी होगा, तो क्या होगा उसमें? इंटरलॉकिंग प्रॉपर होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, इसका फ्रिक्शन बढ़ गई। तो इस वहम में मत रहना कि एरिया बढ़ा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई, एरिया से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैंने आपको बता दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें नॉर्मल रिएक्शन टेन जी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन जो कि कितना है? टेन जी। आंसर ये मैंने बता दिया, अगर एक ब्लॉक है 10 kg का और 10 kg की नीचे की फोर्स क्या है? 10g sin 30, और एक क्या है? 10g cos 30, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर क्या है? 10g cos 30। और अगर मैं आपको सरफेस की जो रफनेस म्यू दूँ 0.1, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। नहीं दी होती है, तो मैं मन से ले रहा हूँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, कोई फिक्स नहीं है।